क्योंकि मेरे को लगा था। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं शिलोंग में। अभी रूम टैरिफ, 3 रूम टैरिफ है। काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। हम लोग खा के निकले और देखे अचानक से ऐसा फुल फॉगी वेदर हो चुका है। शिलोंग का कुछ प्लान नहीं था और हम लोग सोच रहे थे कि काजीरंगा जाएंगे, लेकिन सडनली हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, चलो आज शिलोंग चलते हैं। इससे वहाँ जाकर क्या क्या मिलता है क्या नहीं, आप लोग बताएंगे सब। काजीरंगा कैंसिल करने का मेन रीज़न ये है कि काजीरंगा होटल प्राइसेस जो थे वो ऑलमोस्ट 1800 आ रहे थे, 1800 पर नाइट, और जो सफारी है वो 2800 का आ रहा है जो कि 2 घंटे हैं। तो 2 घंटे 2800 प्लस 1800, तो मेरे को नहीं लगा कि वर्थ इट है बोल के। क्योंकि मेरे को लगा था काजीरंगा का जो सफारी होता है वो फुल डे का होता है, जो नहीं है अब क्या करें। तो इसलिए छोड़ दिए, शिलोंग चले गए कि सेम बजट में हम लोग डाउकी या चेरापूंजी या शिलोंग का जो इंटरनल सिटी टूर है वो भी कर सकते हैं, सेम या फिर उससे कम बजट में हो जाएगा। अभी हम लोग पहुंच गए हैं शिलोंग में और बहुत ठंडा है, बहुत बहुत ठंडा है। गुवाहाटी से आते वक्त पता चल रहा था कि शिलोंग कितना ठंडा होने वाला है, और कल ही शिलोंग में स्नोफॉल भी हुआ है। अभी हम लोग होटल ढूंढेंगे, देखते हैं। शिलोंग में जो होटल में रुके हैं वो ये है। अच्छा है, रूम थोड़ा छोटा है, अपना वर्किंग डेस्क है, मिरर भी है, अच्छा सा नीट एंड क्लीन है, सोप दिया हुआ है, टीवी भी चलता होगा शायद। सबसे बड़ी बात, वर्किंग गीजर है अनलाइक असम। व्यू तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बाहर दूसरे प्रॉपर्टीज़ हैं। ये अलमारी है जिसमें कंबल वगैरह रखा हुआ है। तो अभी हम लोग सेटल डाउन करेंगे फिर निकलेंगे। अभी रूम टैरिफ
तीन रूम टैरिफ है, एक 1800 का है, एक 2000 का है और एक 2500 का है। तो मैंने बार्गेन किया, तो देखते हैं 1600 में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लाता है कि नहीं वो नहीं पता मेरे को। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो होटल में चेक हो चुका हम लोगों का, चेक इन करके अभी हम लोग निकले हैं मार्केट घूमने, कुछ खाने नाश्ता वगैरह करने। काफ़ी हैपनिंग प्लेस है और ये हम लोगों का होटल है जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, सौरिया इन। पहले चल के कुछ खा लेते हैं। काफ़ी फ्रूट्स एंड बेरीज अवेलेबल है यहाँ पे सस्ते में, बहुत ही ज़्यादा सस्ते में। अभी निकले हैं हम लोग शॉपिंग करेंगे। हाँ, थोड़ा शॉपिंग भी करेंगे। दिल्ली मिष्ठान्न भंडार, हम लोग अभी दिल्ली मिष्ठान्न भंडार में हैं और बहुत कुछ खा रहे हैं। तो ये पहला बैच है खाने का, इसके बाद और जो जो आएगा दिखेंगे। बाय द वे, ये एक स्पेशल स्वीट है यहाँ का, पता नहीं क्या है, ये तो अपना समोसा है। अभी ये बीकानेरी पैटिस है कुछ है, ये छीना का जलेबी है, दिस इज कचौरी चाट। हम लोग खा के निकले और देखे अचानक से ऐसा फुल फॉगी वेदर हो चुका है, कोई क्लाउड पास कर रहा होगा। यहाँ खा रहे थे हम लोग, मतलब थोड़ी छोटे छोटे ऊस की बूंदे गिर रही है मुंह पे। अभी हम लोग जा रहे हैं एटीएम में पैसा निकालने। यहाँ मैक्सिमम जगह पे ना लोग कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कैश ही चलता है ज़्यादा यहाँ। तो आप लोगों को कैश तो अपने साथ रखना ही होगा। चलो चलो, यहाँ सब ये फ्रिज का दोनों साइड पे स्पीड्स है सारे, बहुत सारे, बहुत कुछ मिलता है। পড়িয়ে নিচ্ছি যা সব।